आज हमारे साथ है प्रदेश प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के युवराज सिंह। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों ने जो इशू किया है और इस टाइम महिलाओं का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि लोगों ने देखा कि हाथरस केस जो हुआ तो उसमें बीजेपी सरकार का क्या चरित्र रहा, तो उसमें देखा कि जो उन्नाव रेप केस हुआ उसमें बीजेपी की क्या चरित्र रहा, और उसी को लेके हमने चाहते हैं कि महिलाएँ सशक्त बने, उनका ठीक जगह से सशक्तिकरण हो, और इस वजह से हमने घोषणाएँ भी की है कि हम पूरे प्रदेश में 40% महिलाओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देने जा रहे हैं। साथ ही एक अहम सवाल मैं युवराज सिंह यादव जी से पूछना चाहूँगी कि 32 सालों का सूखा क्या खत्म हो पाएगा इस बार? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बार 32 सालों का सूखा खत्म करके अपनी प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना पर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की शुरू से यही राय रही है कि जो भी जाति है, जो भी धर्म है, सबका प्रतिनिधित्व होने चाहिए, और इसी वजह से आज पूरे देश में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के पूरे लोगों की पार्टी है। युवराज सिंह यादव जी से ये पूछना चाहेंगे कि महिलाओं की जो अभी 18 से 21 उम्र एज की कर दी गई है शादी के लिए, इस विषय में आप अपनी क्या राय? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस हर कदम को सपोर्ट करता हूँ जिससे महिलाएं तरक्की करें और आगे बढ़ें। इस देश में विकास के लिए जो भी संभावनाएं हों वो महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। धन्यवाद अपना मुख्य समय देने के लिए। देखते रहिए द आज़ाद आवाज़। कैमरामैन चित्तान सोनी के साथ।